नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम एमए भाग दो सत्र तीन के अंतर्गत इकाई चार में धूमिल द्वारा लिखित कविता रोटी और संसद, इस कविता का परिचय प्राप्त करेंगे। एमए भाग दो के अंतर्गत 2020-21 में जो पुनर्रचित पाठ्यक्रम किया गया है, जिसमें चौथी इकाई के अंतर्गत धूमिल की दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। इसमें से पहली कविता है रोटी और संसद। इस कविता को देखने से पहले हम कवि का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। धूमिल, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडेय है, उन्होंने धूमिल नाम से साहित्य रचनाएं की है। इसके पीछे यह कारण दिया जाता है कि सुदामा पांडे नामक और एक कवि काशी में काव्य लेखन करते थे, तो शायद दोनों कवियों में कोई गड़बड़ी न हो जाए और स्पष्ट रूप से प्रत्येक कवि पहचाना जाए, इसी दृष्टिकोण से धूमिल ने अपने नाम के आगे धूमिल यह उपनाम लगा लिया था। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खेवली, इस गांव में उनका जन्म हुआ है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे धूमिल जी को अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनके पिताजी पंडित शिवनायक जी तथा माताजी रसवंती देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। केवल 11 वर्ष की उम्र में धूमिल को अपने पिता का छत्र खोना पड़ा था। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, उस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी और अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। साथ ही परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर आ पड़ी थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह मूरत देवी से संपन्न हुआ था। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और 1953 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले वे उनके गांव के पहले सदस्य थे। उनके गांव में अभी तक कोई भी व्यक्ति यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाया था। धूमिल ऐसा करने वाले उनके गाँव के पहले सदस्य बन गए थे। इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण और आर्थिक स्थिति के कारण जीविकोपार्जन हेतु उन्हें नौकरी करना अधिक आवश्यक बनता गया और इसी कारण उन्होंने नौकरी की तलाश व्यापक मात्रा में शुरू कर दी। सबसे पहले छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन बाद में उन्हें कोलकाता में एक लकड़ी की कंपनी तलवार मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड में काम मिल गया। यहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिलती थी, साथ में ऊपर से कुछ मात्रा में कमीशन भी प्राप्त होता था, जिसके कारण कुछ समय तक वे नौकरी करते रहे। नौकरी के दरमियान उन्हें सीतापुर बलिया जैसे स्थानों पर भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में धूमिल थोड़े से बीमार पड़ गए और उन्होंने मालिक से छुट्टी की अर्जी दी, लेकिन मालिक ने छुट्टी देने से मना कर दिया, जिसके कारण क्रोधित होकर धूमिल ने वह नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद धूमिल अपने गाँव वापस आ गए, फिर खेती करना शुरू किया। उसी समय उन्होंने वाराणसी के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्युत डिप्लोमा के लिए उन्होंने प्रवेश ले लिया। बाद में एक साल में उन्होंने विद्युत डिप्लोमा पास किया और उसके बाद वहीं पर विद्युत अनुदेशक के रूप में वे नौकरी करने लगे। इसी हेतु उन्हें अनेक स्थानों पर जाना पड़ा, खास करके सीतापुर वगैरह आदि स्थानों पर उनका तबादला किया गया। धूमिल का व्यक्तित्व एक विद्रोही व्यक्तित्व रहा है। हमेशा जहाँ जहाँ उन्हें अन्याय दिखता है, उसके विरोध में वे उठ खड़े हो जाते हैं और उनके इसी विद्रोही और अक्खड़ स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी करते समय भी अनेक समस्याओं का सामना जो है वह करना पड़ा है। तो इसी दरमियान जब धूमिल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते, कुछ मात्रा में अपने परिवार को संभालने में लगे थे, किंतु दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 1974 में उन्हें लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच पड़ताल की, तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर बताया गया। उसके बाद धूमिल अस्वस्थ होते गए और आगे जाकर उन्हें
मस्तिष्क का ऑपरेशन करवाने के लिए कहा गया। 1974 में उनका मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद दुर्भाग्य से वे कोमा में चले गए और 10 फरवरी 1975 में केवल 38 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से निसंदेह एक बहुत दुखद घटना थी। क्योंकि धूमिल ने अपने थोड़े से आयुष्य में जो कुछ नाम कमाया था वह निसंदेह अलग था। अगर 10-20 साल और जीते तो निसंदेह हिंदी साहित्य की काफ़ी फायदा या हिंदी साहित्य में उसका काफ़ी बड़ा लाभ जो है वह निसंदेह मिल सकता था। उनके साहित्यिक परिचय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धूमिल ने अपने जीवन काल में केवल एकमेव काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है संसद से सड़क तक। बाद में जो उनकी कविताएं थी उसका एक दूसरा काव्य संग्रह कल सुनना मुझे नाम से प्रकाशित किया गया। उनका तीसरा काव्य संग्रह सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र नाम से उनके बेटे श्री रत्न शंकर जी ने इस काव्य संग्रह को प्रकाशित किया था। इसके अलावा धूमिल की प्रतिनिधि कविताएं नाम से डॉक्टर सुखदेव ने उनका एक चौथा काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया था। तो इस प्रकार से उनके जीवन काल में एकमेव काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में उनके तीन काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। और केवल चार काव्य संग्रह लिखने के बावजूद भी जो एक अलग नाम साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता के क्षेत्र में धूमिल का हुआ है वह निसंदेह अलौकिक है। और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समाज की रूढ़ियाँ परंपराएँ या तत्कालीन समाज के दोष इन पर कड़े वार किए हैं। लेकिन उनके अक्खड़पन उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी किसी के साथ अधिक पटी नहीं, और इसका ही शायद ये परिणाम है कि उन्हें अधिक पुरस्कारों के लिए उनका नाम गिनाया भी नहीं गया। केवल उन्हें 1979 में कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ कवि का थोड़ा सा परिचय। अब हम उनकी कविता को देखते हैं। कविता का नाम जैसे हमने पहले देखा कि कविता का नाम है रोटी और संसद। यह उनकी एक अत्यंत छोटी कविता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केवल 9 पंक्तियों की एक अत्यंत छोटी, जिसे हम कह सकते हैं कि लघु कविता ये रही है, लेकिन 9 पंक्तियों में धूमिल ने जो अलौकिक भाव भरा है या जो एक व्यापक भाव भरा है वह निसंदेह एक अपना अलग महत्व रखता है। और इस कविता का जो सामान्य विषय है वह विषय है वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके दोष दिखाना या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की गलतियों को सामने लाना। जैसा कि हम जानते हैं समाज में आज भी विषमता व्यापक मात्रा में छाई हुई दिखाई देती है। आज़ादी को लेकर तरह तरह के सपने भारतीयों को दिखाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद ये सारे सपने सपने ही बनकर रह गए। ये जो अवस्था है उसे मोहभंग की स्थिति कहा जाता है। धूमिल ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की इस मोहभंग की स्थिति को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। और इस कविता में भी कवि सामाजिक विषमता का अत्यंत मार्मिक अंकन करते हैं, साथ ही राजनीतिक विद्रूपता या राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक आडंबर, इनको भी कवि अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यंग्यात्मक शैली में और प्रतीकात्मक पद्धति से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, ये एक अत्यंत व्यंग्यात्मक शैली में और प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कविता है, जिसका उद्देश्य ही वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्था को दर्शाना है या वर्तमान राजनीति के दोष गलतियां या उसमें जो स्वार्थपरता अवसरवादी प्रवृत्ति छा गई है उसको दिखाना गया है। अब इस कविता के सामान्य परिचय के बाद कविता के भावार्थ को आते हैं, तो थोड़ा सा कविता पढ़ते हुए हम इस भावार्थ को समझ लेते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, एक आदमी जो रोटी बेलता है। एक आदमी जो रोटी बेलता है, अर्थात यहाँ पर कवि ने रोटी बेलने वाला आदमी अर्थात उसे निम्न वर्ग कहा है। यह वह वर्ग है जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है और कुछ न कुछ नव निर्माण करने का काम करता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि उसके द्वारा ही निर्माण किया गया जो सारा सामान है, जो अनाज है या जो अन्य सारी चीज़ें हैं उसका लाभ वह स्वयं उठा नहीं पाता है। दुर्भाग्य से इसका लाभ दूसरे उठा लेते हैं और वह इतना परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी अपने लिए जुटा
नहीं पाता है और उसे अनेक बार भूखे पेट रहकर अनेक बार अनेक संकटों का सामना जो है वो अपने जीवन काल में करना पड़ता है। इसी कारण कवि प्रतीकात्मक पद्धति से उसे आदमी उस रोटी बेलने वाला आदमी कहते हैं। तो एक आदमी रोटी बेलता है, तो ये रोटी बेलने वाला अर्थात हुआ निम्न वर्ग का प्रतीक, जिसमें किसान, मजदूर या श्रमिक या दलित, शोषित, पीड़ित जो सारा वर्ग है, जो प्रत्यक्ष मेहनत करता है, प्रत्यक्ष काम करता है, वह सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगली पंक्ति है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है। अब यह रोटी खाने वाला जो आदमी है वह मध्य वर्ग का प्रतीक है। तो जो निम्न वर्ग द्वारा जो रोटी बनाई जाती है, जो मेहनत परिश्रम करके अनाज निर्माण किया जाता है, उस अनाज का लाभ उठाने का काम ये मध्य वर्ग करता है, और इसी कारण कवि ने उन्हें प्रतीकात्मक पद्धति से रोटी खाने वाला कहा है। एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। तो कवि ने तीन आदमियों की बात की है। ये तीन आदमी समाज के तीन वर्ग है। तो रोटी बेलने वाला आदमी जो निम्न वर्ग का प्रतीक है, गरीब वर्ग का प्रतीक है, श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। रोटी खाने वाला आदमी वह मध्य वर्ग का प्रतीक है। तो एक कवि कहते हैं कि एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। तो ये तीसरा आदमी ना कोई नवनिर्माण का काम करता है, न कोई पुनर्निर्माण का काम करता है, न वह रोटी खाता है, बल्कि वह इनके साथ खेलता है। मतलब निम्न वर्ग की भावनाओं के साथ या मध्य वर्ग की भावनाओं के साथ खेलने का काम उनके, एक प्रकार से कवि ने यह खेलने का तात्पर्य उनके शोषण करने का काम, उन्हें पीड़ा कष्ट देने का काम जो है वह ये आदमी करता है, ये तीसरा आदमी करता है, और ये तीसरा आदमी है उच्च वर्ग का प्रतीक। तो कवि यहाँ तीन वर्ग हमारे सामने साकार करते हैं। एक मेहनत मजदूरी करने वाला, श्रम करने वाला, दिन रात 2400 घंटे वह परिश्रम करने वाला निम्न वर्ग है। तो दूसरा उस पर अपना सामान्य लाभ उठाने वाला, उसके द्वारा बनाई गई रोटी को खाने वाला मध्य वर्ग है। तो एक तीसरा आदमी जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि वह समाज का शोषण करता है, समाज पर अन्याय अत्याचार करता है, वह है उच्च वर्ग। इस प्रकार के तीन वर्ग कवि ने यहाँ पर प्रतीकात्मक पद्धति से अंकित किए हैं। अब आगे कवि कहते हैं, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। और ये अंतिम तीन पंक्तियाँ इस कविता में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवि ने यह कहा है यह तीसरा आदमी कौन है जो उच्च वर्ग है वास्तव में, और लेकिन इसका जवाब संसद भी नहीं दे पाती या संसद भी इस पर चुप हो जाती है। यहाँ पर कवि ने वर्तमान राजनीतिक विडंबना या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के दोष दिखाए हैं कि आज, जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं कि आज वास्तव में संसद का काम होता है सभी के लिए काम करना। संसद हमारे देश की सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था है, जो संपूर्ण देश हेतु या संपूर्ण देश के सभी लोगों के कल्याण हेतु काम करना उसका परम कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्य कवि को ये लगता है कि आज संसद केवल उच्च वर्ग के हाथ का खिलौना बनती जा रही है। आज संसद केवल जो रोटी से खेलने वाला आदमी है, जो उच्च वर्ग का प्रतीक है, उनके हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। और इसी कारण कवि व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि आज ये तीसरा आदमी कौन है, या इस तीसरे आदमी की बात जब की जाती है तब संसद भी कुछ कहती नहीं है। मतलब कवि को ये बताना है कि संसद का इस तीसरे आदमी को समर्थन है। वास्तव में आज अगर समाज को हम देखें तो आज 90-95% जनता प्रथम वर्ग में अर्थात निम्न वर्ग के अंतर्गत आती है, तो 5-5% जनता जो है वह उच्च वर्ग के अंतर्गत आएगी। तो ये 5%
के लोगों के हेतु। आज हम जानते हैं कि संसद में कायदे कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि आज संसद जो नए नए बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े राजनेता है, या बड़े बड़े जो अधिकारी है, या बड़े जो लोग हैं जो उच्च वर्ग का प्रतीक है, उनके हाथों की कठपुतली बनाई जा रही है। और ये लोग कुछ पार्टियों को हम जानते हैं कि कुछ चंदा दे देते हैं, वह पार्टियाँ जब उन्हीं चंदों की सहायता से जीत कर सरकार बनाती है तो फिर वह उनकी सरकार इन्हीं लोगों के लाभ के दृष्टिकोण से, इन्हीं लोगों के फायदे के लिए कानून बनाती है। और जो यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग है, जो आज भी अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा है, जो आज भी अनेक मुश्किलों का सामना कर रहा है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी वह या उसकी कोई स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है, उनके लिए संसद कुछ नहीं करती है। और यही बात कवि यह व्यंग्यात्मक पद्धति से या अत्यंत मार्मिक व्यंग्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आज अनेक प्रकार के प्रश्न है, इनमें आज विषमता का प्रश्न सबसे ऊँचाई पर हमें दिखाई देता है। आज एक और उच्च वर्ग है जो और अधिक अमीर बनता जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति के कारण जो उन्नति के सारे साधन हैं वो उनके पास आते जा रहे हैं। और तो दूसरी ओर एक गरीब वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है, निम्न वर्ग है, जिसके पास अपनी उन्नति का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, वह अपनी उन्नति कर नहीं पाता है। सामान्य उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ भी सकते हैं कि अगर आज सोच लीजिए कि आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण नई नई चीज़ें निर्माण हुई, नई नई चीज़ें निर्माण होने के कारण आज नए आविष्कार हुए, इन्हीं आविष्कारों के तहत अलग अलग साधन बनाए गए। इनमें से एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, एक जेसीबी नाम का एक यंत्र, एक मशीन है। अब इस जेसीबी से क्या होता है कि इसकी कीमत 2 करोड़ 4 करोड़ होगी, तो इसे कोई गरीब खरीद नहीं पाता, इसे खरीदने का काम अमीर व्यक्ति करता है। और पहले क्या होता था कि पहले विभिन्न प्रकार की खुदाई करनी पड़ती थी, पाइपलाइन वगैरह बनवाने के लिए जब खुदाई की जाती थी तो वहाँ पर मजदूरों के लिए काम मिलता था, और एक पाइपलाइन बनाने का काम मजदूर 4 दिन 8 दिन उन्हें वहाँ पर काम मिलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज क्या हुआ, वही काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वह सारा पैसा अमीर, क्योंकि मशीन अमीरों की है, और इसी कारण वह सारा पैसा आज जो पहले कुछ मात्रा में गरीबों को मिलता था, कुछ मात्रा में ये मजदूरी करके, ये इस प्रकार के छोटे मोटे काम करके गरीब वर्ग अपना पेट चला सकता था, आज ये सारा काम मशीनें आने के कारण आज उच्च वर्ग को मिलता है। और इसी कारण उच्च वर्ग और अधिक अमीर बनता जा रहा है, और अधिक वह संपन्न या धनवान बनता जा रहा है, तो गरीब वर्ग और अधिक गरीब बनता जा रहा है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये विषमता हमें व्यापक मात्रा में दिखाई देती है, और कवि जब भी ऐसी विषमता को देखते तो उनका मन सुन्न हो जाता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वे विद्रोह से उभर कर सामने आते हैं और ऐसी व्यवस्था पर कड़े प्रहार करते हैं, ऐसी व्यवस्था को खत्म करने की बात जो है वो व्यापक मात्रा में करते हैं। और इस छोटी सी कविता में भी कवि ने यही प्रयास किया है। आज जो राजनीति की बिगड़ी हुई अवस्था है, आज जो राजनीति केवल उच्च वर्ग के समर्थन में लगी है, उनकी पोल खोलने का प्रयत्न कवि इस माध्यम से करते हैं। अत्यंत छोटी सी, केवल 9 पंक्तियों की कविता है। एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इस प्रकार से कम शब्दों में अत्यंत मार्मिकता के साथ कवि ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य प्रहार करने का काम या वर्तमान राजनीति के दोष दिखाने का काम जो है वह किया है। तो अत्यंत मार्मिक और छोटी सी कविता है। अब इस कविता का थोड़ा सा कला पक्ष भी समझ लेते हैं। कला पक्ष की दृष्टि से इस कविता पर विचार किया जाए तो यह एक लघु कविता है, एक छोटी कविता है। इसका लेखन कवि ने एक लघु रूप में किया है। दूसरा, इसकी भाषा के बारे में देखें तो इसकी भाषा अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाषा है। कवि ने सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा का प्रयोग जो है वह इस कविता में किया है, और बिल्कुल सरल स्वाभाविक भाषा है, जिसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई तत्सम या संस्कृतनिष्ठ शब्द का प्रयोग कवि ने बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, कुछ मात्रा में कवि अपनी भाषा में उर्दू या जो प्रचलित अंग्रेजी के शब्द है उनका प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन इस कविता में इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, छंदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कविता का छंद मुक्त छंद है, और आधुनिक कवि जो है वह मुक्त छंदों में ही अधिकांश काव्य रचनाएं करते हैं। धूमिल का भी प्रिय छंद मुक्त छंद ही है, उन्होंने भी मुक्त छंद के अंतर्गत अपनी अधिकांश रचनाएं लिखी है। शब्द योजना की बात करें तो धूमिल जी की शब्द योजना अत्यंत सटीक है। इस कविता में भी हम देख सकते हैं कि केवल 9 पंक्तियों में और केवल
एक प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत एक दो तीन शब्द है, तो केवल 20-25-30 शब्दों में कवि ने जो व्यापक भाव भरा है वह धुमीली भर सकते हैं, इसका उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। और एक केवल छोटी सी पंक्तियों में उन्होंने इस व्यापक भाव को अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है, यह उनकी एक सटीक शब्द योजना का ही प्रमाण माना जा सकता है। इसकी शैली एक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है तो दूसरी ओर प्रतीकात्मक शैली है, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी तीन आदमी बताए गए हैं वह तीन वर्ग के प्रतीक है। जैसे हमने पहले ही देखा कि यहाँ रोटी बेलने वाला आदमी निम्न वर्ग का प्रतीक है, रोटी खाने वाला आदमी मध्य वर्ग का प्रतीक है, तो रोटी से खेलने वाला आदमी उच्च वर्ग का प्रतीक है। तो तीनों ही प्रतीक अत्यंत मार्मिक रूप से कवि ने आए हैं और ये प्रतीक नए हैं, क्योंकि धूमिल की खासियत ये रही है कि उन्होंने पुराने घिसे पिटे प्रतीकों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया है। उनके अधिकांश प्रतीक नावीन्यपूर्ण है और नवीन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को अधिक मार्मिक बनाने का प्रयत्न जो है वो अपनी कविताओं में किया है। लय एक आंतरिक लय का प्रयोग इस कविता में करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस तरह से यह कविता संवेदना की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट कविता है, इसे आधुनिक मानव को जगाने का प्रयत्न इस कविता में कवि ने किया है। और कवि की संवेदना है वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्था को दर्शाना, वर्तमान राजनीतिक दोषों को दर्शाना, ये कवि की संवेदना है। और संवेदना या भावपक्ष की दृष्टि से यह कविता जितनी श्रेष्ठ है, जितनी आकर्षक है, जितनी प्रभावी है, उसका कला पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है, उतना ही श्रेष्ठ है। और इसी कारण एक छोटी सी कविता होने के बावजूद भी ये कविता हिंदी साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता के रूप में मानी जाती है और अनेक स्थानों पर इस कविता का पठन पाठन किया जाता है। इस प्रकार से धूमिल की एक कविता है, आशा है आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।